योगी आदित्यनाथ ने झज्जर में भी चुनावी रैली की। बादली से बीजेपी प्रत्याशी ओपी धनखड़ को ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील उन्होंने जनता से की। मुख्यमंत्री योगी ने ओपी धनखड़ की तारीफ करते हुए कहा कि वो किसान हित में बात करते हैं, जिसे केंद्र मानती है और केंद्र की तमाम सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। सीएम योगी ने दावा किया कि एक बार फिर मनोहर लाल के नेतृत्व में बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाएगी। देश में आतंकवाद समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप आतंकवाद को समाप्त करने के पक्षधर हैं, नक्सलवाद को समाप्त करने के पक्षधर हैं, बेईमानी और भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। आप सब चाहते हैं कि देश फिर से दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो। आप सबका यह संकल्प है। अगर आपका यह संकल्प है तो आप सब ओम प्रकाश धड़कन जी को कमल चुनाव चिन्ह पर 31 अक्टूबर को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। आप सब मेरे साथ में हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वहां पर अलग अलग जगहों पर चुनावी रैलियों में जुटे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए विजयी बनाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्रों पर जाकर के वोट करने के लिए।